अहमदाबाद मणिनगर में सेंटर था मेरा, वहाँ जाके देखा तो मेरे सारे फ्रेंड्स जितने भी लोग थे, हम लोग ने जितने डिप्लोमा क्लियर किया था सारे लोग आए थे, तो वो सब वापस वहाँ पे मिले, हमने एग्ज़ाम दिया और जैन में एग्ज़ाम ख़त्म करके फिर मैं घर आ गया। और मैंने मीनवाइल जॉब स्टार्ट कर दी थी, लाइक मैं इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का मार्केटिंग करता था। तो फिर जब घर आया तब पता चला कि लाइक जनवरी फरवरी मार्च में उसका रिजल्ट आया था और उनका ये मेल था कि आई हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिटर्न एग्ज़ाम। जो मैंने रिटर्न एग्ज़ाम दिया था उसमें हम क्लियर कर चुके थे और दे हैव शॉर्ट लिस्टेड मी फॉर पर्सनल इंटरव्यू। सो पहले तो लाइक सांस थम सी गई थी, मैंने बोला यार इतना अच्छा हो रहा है, चलो सही है, कुछ तो अच्छा ही होगा अभी। क्योंकि वो दौर ऐसा था ना कि लाइक कहाँ चले कैसे चले कोई फिक्स ही नहीं था। एक तरफ पढ़ाई छूट गया था उसका डिप्रेशन मीन्स टेंशन चल रहा था, बार बार वही ख्याल आ रहा था कि अभी लाइफ में क्या होगा हमारे साथ। और एक तरफ किसी तरह भी अर्निंग करके घर का सपोर्ट करना था, वो वाली चीज़ चल रही थी माइंड में। तो सारे जुनून यहाँ वहाँ एकदम खींचादारी में फंसे पड़े थे और कोई भी गोल सेट नहीं हो रहा था। तो फिर जैसे ही इसका रिज़ल्ट है हम पीआई देने गए, अप्रैल में पीआई था बड़ौदा में पीआई था। वहाँ पे जब पीआई हॉल में सेंटर में जब एंटर हुआ तब देखा मैंने तो ऑलमोस्ट हम वहाँ पे भी 60-something कैंडिडेट थे और सारे कैंडिडेट एकदम लाइक क्लीन शेव थे, फॉर्मल में थे ये वो। और तब तो मेरी एज क्या थी, 21 साल शायद 21वां बैठा था तभी। और मैं गया था एकदम जीन्स पैंट पहन के, स्पोर्ट्स शूज और एकदम शॉर्ट स्लीव शर्ट पहन के। तो फिर लकीली मेरा नंबर आया जब पीआई का। मेरा इंटरव्यू होने से पहले, वो इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले ऑलमोस्ट 18 लोग चले गए थे। तो उनका इंटरव्यू मैंने देखा कि उनका इंटरेक्शन होता था 15-20 मिनट मैक्सिमम। और मैंने जब देखा था, पहली बार लाइफ में एंटर किया कोई इतनी बड़ी कंपनी के लिए, तो इंटरव्यू हॉल में देखा था वहाँ पे 6 लोग बैठे थे। मैं 2 लोगों के नाम आज भी मुझे याद है, तो वो तो शायद अब रिटायर कर गए होंगे। तो वो 2 लोग थे और दूसरे एक इलेक्ट्रिकल सेक्शन के, ऐसे करके 6 लोग थे एक एचआर का सेक्शन का। और मेरा इंटरव्यू चला था 1.5 घंटे तक कंटिन्यूसली, 1.5 घंटे। बहुत सवाल किए, बहुत क्वेश्चंस किए। कोई भी जगह पे उन्होंने मेरा ऐसा भी हालत कर दिया कि जो सब लोग मिलकर मुझे झूठा साबित कर रहे थे, लेकिन कई अंदर से आवाज़ थी कि नहीं तुम सच हो, सच्चे हो, सो नॉट टू वरी। तो मैं उनके सामने बोला कि मैंने बोला सर ऐसा नहीं है, ये बात सही है, आप चाहे तो कोई इंडस्ट्री इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए था, मैंने बोला कि आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो फिर वो बाद में जब 1-1.5 घंटे के बाद जब मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ और मैं गेट पे पहुंचा था, तो उन्होंने पहली बार ऐसा बोला लाइक कि मिस्टर पटेल डोंट वरी, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। मुझे लगा कि चलो जॉब मिल गई। तो अप्रैल में जब इंटरव्यू हुआ, अप्रैल मई जून, और जून में मुझे मेल आया और घर पे मेमोरेंडम आया कि भाई मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ जॉब के लिए। घर वाले एकदम खुश कि चलो बेटा इतना पढ़ा लिखा तो कुछ तो करेगा, अभी सब कुछ ठीक। वही 3 इडियट वाली उम्मीद है और इंडियन कल्चर है, और ये हमारे इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अच्छे से लो। तो फिर 21 जुलाई 2010 पे हमने ये ऑर्गेनाइजेशन में पैर रखा। मेरा पहला पोस्टिंग था कैम्बे, जिसे हम गल्फ ऑफ खंबात बोलते हैं। कैम्बे नाम आया था तो मैं पहले तो वही सर्च कर रहा था कि ये कैम्बे आया कहाँ है, क्योंकि लिटरली आई वॉज़
लाइक शॉक कि ऐसा तो नाम कभी मैंने सुना ही नहीं है। फिर मैंने उसमें एक चीज़ देखी कि डिस्ट्रिक्ट आनंद, वो हमारे एक रिलेटिव है आनंद में, उनको पूछ पूछ के फिर वहाँ पे पहुँचे और सारी प्रोसीजर कंप्लीट करके 21 जुलाई 2010 में मैंने ज्वाइन किया। और शायद 2010 में क्लास 3 में जब मैंने ज्वाइन किया था तो आई वॉज द वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट कैंडिडेट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम। 8 साल हमने वहाँ पे निकाला। मेरा पोस्टिंग हुआ था पहले इन्फोकॉम में, इन्फोकॉम सर्विसेज। तो गाइस मैं ये सारी डिपार्टमेंट वाइज जितना भी सर्विसेज है और ये सारी चीज़ें वो आपको लेटर ऑन पार्ट टू में या फिर दूसरे ब्लॉग में बताऊँगा कि हम ओएनजीसी में मीन्स एक्चुअल में कौन सा डिपार्टमेंट कितना होता है और क्या क्या रोल रहता है। तो आज के टाइम में क्या हो चुका है कि वो जो पहले रिटर्न एग्ज़ाम होता था, फिर इंटरव्यू होता था, फिर मेडिकल टेस्ट होता था, वो सारा बंद हो चुका है। अब ऐसा गाइस नहीं है। मीन्स मान लीजिए अगर आपने डिप्लोमा आईटीआई किया है तो सीधा ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से अच्छा ट्राई कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि लाइक काफ़ी लोग बकेती करते हैं कि तुम ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ऐसा मत करना। मीन्स मान लीजिए कि मैं इंस्ट्रूमेंटेशन का बंदा हूँ और ये वीडियो कोई और इंस्ट्रूमेंटेशन वाला ही बंदा देख रहा है, तो एक चीज़ कीजिएगा, कुछ नहीं पढ़ना है, कोई फालतू की चीज़ें मत पढ़ो, अपना बेसिक जितना भी बेस इंस्ट्रूमेंटेशन है वो सारा क्लियर करो। और हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का बेस गाइड सबको पता ही है, एक एसके सिंह है, फिर ऐसे करके बहुत सारी किताबें हैं। तो वही सारे इंस्ट्रूमेंटेशन के रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चन है, जितना भी बेस आपका पक्का होगा ना, उतना ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप सारे डिपार्टमेंट में थोड़ा ये पढ़ लो, थोड़ा वो पढ़ लो, ऐसा करके अपना मेन डिपार्टमेंट ही छूट जाएगा। तो ऐसा कभी मत करना, पढ़ो तो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का पढ़ो, क्योंकि आप जिस स्ट्रीम के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसी का क्वेश्चन आए, अगर वही आपको आंसर नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो वो ये कोशिश करता कि आप कोई भी डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं कि इंस्ट्रूमेंटेशन का, हाँ लेकिन एक है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जो इसी बंदा किया हुआ है, उसको भी 80% मेजरली ये होता है कि उनको क्वेश्चन होते हैं ईसी के ही, लेकिन सिर्फ 20 या फिर 10% प्रोसेस कंट्रोल या फिर ऑटोमेशन का रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को एक सब्जेक्ट रहता है हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन का, इसलिए वो एक लिंक रिलेटेड है। बाकी आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, या फिर सिविल डिपार्टमेंट से हो, फिर दूसरा कोई केमिस्ट्री वाला बंदा है, तो आप अपना सिर्फ बेसिक का जितना भी बेसिक नॉलेज है, मीन्स अपने कोर डिपार्टमेंट का जितना बेसिक नॉलेज है वो सारा गेन करो, वही पढ़ो और उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। हाँ तो आप अभी का टाइम ऐसा हो गया कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद मेरिट के वाइज ONGC आपको सिलेक्ट करेगा, जितना रिक्रूटमेंट रहेगा जहाँ पे कट ऑफ होगा उतने मेरिट के मेंबर को वो लोग सिलेक्ट करते हैं, सबके घर कॉल लेटर भेजेंगे, फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद फिर आपको ज्वाइन किया जाता है। अभी कोई ऐसा बोल रहा था कि मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए होता है क्योंकि आपका वर्क कल्चर कैसा है, मीन्स आपका पोस्टिंग कैसा होगा, आपका फिटनेस ठीक है। ONGC का बेसिक ये रहता है कि आपका बॉडी एकदम फिट होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप मैकेनिकल किए हो, आपने मैकेनिकल का पढ़ाई किया हो और आपका पोस्टिंग ड्रिलिंग पे हो, आपने ड्रिलिंग डिसिप्लिन सिलेक्ट किया हो, तो वहाँ पे आपकी आँख कान हाथ पैर एकदम अच्छे से चलने चाहिए। तो वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी डिफ्लेक्ट हुआ तो आप वहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक बहुत ही लाइक एक्सट्रीम लेवल का डिपार्टमेंट है जहाँ पर बहुत सारा एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपकी गलती की वजह से दूसरे 5 लोगों की भी जान जा सकती है, इसलिए ONGC वो रिस्क नहीं लेगी। तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ का वर्क कल्चर अलग रहता है, ड्रिलिंग का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रहता है कि आपके कान आँख सब कुछ फिट होना चाहिए। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए बेसिक नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है और वो भी ONGC लिख के देगा और ONGC के ही पैनल के हॉस्पिटल में होगा, वो आप अलग से नहीं करवा के आ सकते हो, कुछ से नहीं करवा सकते हो। लेकिन काफ़ी लोग दिमाग लगाते हैं कि
हम कहीं और से करवा लेंगे, डॉक्टर को पैसा दे देंगे, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, उसको इनसे वैलिड नहीं गिनती है। तो सो गाइस अभी तो ये सारा सिचुएशन है, और आगे कुछ बताने के लिए मैं आप मीन्स लाइक मैंने आपको बताया कि ओएनजीसी के कितने डिपार्टमेंट होता है, हम क्या काम करते हैं, मीन्स कैसे कैसे डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगा ज़रूर। तो बने रहिए मेरे चैनल पे क्योर क्योर ब्लॉग्स पे। और हाँ, अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको कम्प्लीट करने के लिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।